बच्चे भी जिद कर रहे थे, नानी के यहाँ जाना है। मुझे भी आए, साल भर हो गया। नीतू ने माँ से कहा, माँ ने कहा, बेटा आ जाओ, हम सभी को अच्छा लगेगा और बच्चे से भी घर में चहल पहल बनी रहेगी। अरे माँ, भाभी से कहना मेरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित कर दे। अरे बेटा, तुम यहाँ आओ तो सब हो जाएगा, फोन में ही सारी बातें करेगी क्या? कैसो तुम्हें टेशन लेने आ जाएगा। ऐसा कहकर माँ ने फोन रख दिया। अरे ज्योति बहू, नीतू बेटी का फोन आया था, वो कल आ रही है, उसका कमरा व्यवस्थित कर देना। तुम तो उसका स्वभाव जानती हो, सास कमला जी ने कहा। ज्योति जानती थी नंद नीतू का मिजाज कुछ अलग ही है, उसे हर चीज समय पर और व्यवस्थित चाहिए रहती है, किसी चीज की कमी उसे पसंद नहीं। मायके में भी मेहमानों सा व्यवहार रहता है, अपने बच्चों को तो वो बहुत ज्यादा केयर करती है। नीतू बच्चों सहित आ गई। भैया कैशो स्टेशन लेने चला गया था। नीतू घर पहुंची और माँ के गले लगकर उसके हाल चाल पूछने लगी। ज्योति तुरंत पानी का गिलासा लेकर आई और नीतू से उसका हाल चाल पूछने लगी। तभी ज्योति की बेटी अनाया बुआ के पास आकर बैठ गई और पूछा, बुआ मेरे लिए क्या लेकर आई हो? नीतू ने अपनी सूटकेस खोली और एक सुंदर सा ड्रेस अनाया के हाथों में रख दिया। अनाया ड्रेस पाकर बहुत खुश हो गई। बच्चे आपस में खेलते हुए मस्ती करने लगे। तभी नीतू ने कहा, ज्योति भाभी, हमारा कमरा व्यवस्थित है ना? पिछली बार आई थी तो कूलर काम नहीं कर रहा था, गर्मी में पंखे में से ही सोना पड़ा था, एसी तो आपके कमरे में ही लगा है, ज्योति ने हंसते हुए कहा। नीतू दीदी, इस बार आप हमारे कमरे में सो जाना, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे, आपको कोई परेशानी ना होगी। कमला जी सब सुन रही थी, उन्होंने तुरंत नीतू से कहा, अरे बिटिया, इस बार तुम्हारे केशव भैया ने नया कूलर ले लिया है, तुम आराम से रहना। अरे माँ, मैं तो भाभी से यूं ही मजाक कर रही थी, नीतू ने कहा। ज्योति जानती थी नीतू हर बात में उसे ताने मारती है, पर वो चुप रहती। ज्योति चाहती थी कि नीतू दीदी जितने दिन रहे खुशी से रहे, उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो, क्योंकि अब पिताजी भी नहीं रहे, उन्होंने पिता की कभी कमी महसूस ना हो। ज्योति हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती। केशव बाजार जाकर काफी सारा घर का किराना और बच्चों के लिए चॉकलेट मिठाइयाँ ले आया। एक दिन दोपहर के वक्त सब खाना खा रहे थे और ज्योति गर्मा गर्म पूरी तल रही थी, तब कमला जी ने कहा, बहू तुम सबके साथ खाना खाने बैठ जाओ, मैं पूरी तल देती हूँ। ज्योति कुछ बोलती उसके पहले नीतू ने कहा, माँ तुम क्यों पूरी तलोगी, भाभी को बनाने दो। अब तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की, सारा दिन कुछ ना कुछ तो करती रहती हो। ज्योति ने सास की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी आप खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। नीतू आराम से मायके में दिन गुजार रही थी। कैसो भी छुट्टी के दिन सह परिवार घूमने और होटल ले जाता। एक दिन बातों ही बातों में नीतू ने ज्योति से पूछ ही लिया, भाभी आप मायके नहीं जा रही? जवाब देते हुए ज्योति ने कहा, मैं तो अभी जाने वाली ही थी, क्योंकि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, पर आपका फोन आ गया सो मैंने जाना कैंसिल कर दिया। माँ जी कितना अकेले घर का काम करती, अब आपके जाने के बाद ही जाना होगा,
अच्छा किया भाभी आपने, तो मायके नहीं गए। ससुराल से तो मैं थकी हारी आती हूँ, फिर मायके में तो पूरा आराम चाहिए ना, वरना मैं नहीं आती, नीतू ने कहा। नीतू दीदी आपकी भी तो नंद आती होंगी, तब उन्हें पूरा भी आराम मिलता होगा, क्यों? ज्योति ने पूछा। नहीं भाभी मैं तो साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अकेले काम नहीं होगा, उन्हें मदद तो करवानी ही होगी, इतने लोगों का खाना मैं अकेले कैसे बना सकती हूँ। नीतू हाथ हिलाते हुए बोली। कमला जी चुपचाप सब सुन रही थी, उन्होंने तुरंत नीतू से कहा, फिर यहाँ अपनी भाभी का हाथ क्यों नहीं बटाती, वो भी तो अकेली काम से थक जाती होगी। अरे माँ तुम तो अपनी बहू का पक्ष लेने लगी, ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ, भाभी आप पर बोझ नहीं बनती, नीतू ऐसा कहते हुए रोने लगी। ज्योति जानती थी यह तो उनकी हर बार की आदत है, थोड़ा भी कुछ कहो बुरा मान कर रोने लगती है। ज्योति ने बात संभालते हुए कहा, अरे दीदी माँ जी का ये मतलब नहीं था, आप तो आराम से रहिए, मुझे तो आदत है काम करने की, आप तो हर साल आती हैं, मैं कभी कोई शिकायत की है भला? एक दिन कमला जी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी नीतू ने अंदर आते ही पूछा, माँ भाभी नजर नहीं आ रही है, कहीं बाहर गई है क्या? हाँ नीतू बहू कहकर गई है, कुछ देर में आ रही हूँ, शायद कुछ काम से गई होगी, माँ ने बताया। नीतू ने कहा, माँ तुम्हारा गला कैसे खाली है, चैन नहीं पहनी, कहीं भाभी ने तो नहीं रख ली? कमला जी कुछ कहने ही जा रही थी कि इतने में ज्योति कमरे में दाखिल होते हुए कहा, लीजिए माँ जी आपका चैन। कमला जी ने नीतू से कहा, ये रही मेरी चैन, कुछ दिन पहले टूट गई थी, सो बहू उसे ठीक करवा ले आई। नीतू आगे कुछ ना बोल पाई, एक दिन ज्योति की तबीयत बिगड़ गई, उसे तेज बुखार था, केशव तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया, डॉक्टर ने देखते ही कहा ज्योति को टाइफाइड हो गया है और अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। केशव ने तुरंत माँ को फोन करके सारी बात बता दी। कमला जी नीतू को सारी बात कहकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। कमला जी ज्योति के सिरहाने बैठी उसे तसल्ली दे रहे थे, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कमला जी ने केशव से कहा, तुम घर चल जाओ, घर में नीतू और बच्चे हैं। नीतू ने कहा, ज्योति के लिए खिचड़ी बना दे, अब घर की सारी जिम्मेदारी नीतू पर आ चुकी थी, पर वो करती भी क्या, उसके सबके लिए खाना बनाया और भाभी के लिए खिचड़ी बनाकर केशव के हाथों हॉस्पिटल भेज दी। कमला जी ने ज्योति को खाना खिलाया और घर वापस आ गई। घर आकर देखा नीतू काम कर रही थी और बच्चे भी कमरे में चुपचाप खेल रहे थे। माँ के आते ही नीतू ने पूछा, भाभी की तबीयत कैसी है? कमला जी ने कहा, ज्योति काफी कमजोर हो गई है, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तुम तो अब यहाँ हो, मुझे किस बात की चिंता नहीं, तुम घर संभाल लेना। नीतू मन ही मन सोच रही थी, अभी न आती तो अच्छा रहता, हर बार मायके आराम करके ही जाती हूँ, अब तो मेरा घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा, सोचा था अच्छे से शॉपिंग कर लूँगी, मायके आकर शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और होता है, पार्लर जाकर अपना मेकओवर करवा लूँगी, अब संभव नहीं लगता। कुछ समय बीता, आज ज्योति घर आ चुकी थी, उसे काफी कुछ ठीक लग रहा था, डॉक्टर ने आराम के लिए कहा था, केशव ने ज्योति को अपने कमरे में आराम करने को कहा। नीतू ने कमरे में आते ही कहा,
क्या भाभी, हमारे आते ही आप बीमार पड़ गए। अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे आपका घर नहीं संभाला जाता। अरे दीदी, ये तो आपका मायका है, आप अपना समझ कर ही तो आती हैं, फिर ऐसा क्यों कह रही हो? ज्योति ने कहा। एक दिन ज्योति के नीतू से कहा, मेरी अलमारी में कुछ बैग रखे हैं, उससे ले आओ। नीतू ने जैसे ही बैग खोल कर देखा, काफी महंगी साड़ियाँ और बच्चों के ढेर सारे कपड़े थे। अरे भाभी, ये क्या? नीतू ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ दीदी, आपके आने से पहले मैंने और कैसो ने जाकर सारी शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी की तबीयत देखने जाना था। माँ जी ने कहा था मैं मायके चली जाऊँ, पर आप आज रही थी तो मैं कैसे जा सकती थी। पर कहीं अचानक जाना ना पड़ जाए तो आप सभी के लिए पहले से ही ये कपड़े खरीद लाए थे। नीतू अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। नीतू ज्योति के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मैंने आपको हमेशा गलत समझा और भला बुरा भी कहती रहती, पर कभी आपने जवाब नहीं दिया, मुझे माफ कर दो। अरे अरे दीदी, ऐसा मत कहिए, आप तो बेटी हैं घर की, आपका तो पूरा हक है। अब तो मेरी तबीयत ठीक है, हम सब घूमने फिरने चलेंगे और खूब शॉपिंग करेंगे। कमला जी सब देख सुन रही थी कि ज्योति कितनी समझदार और सुलझी बहू है, नंद को हमेशा बहन ही मानती रहती। केशव ने कभी उसे पिता की कमी महसूस ना होने दी, उसकी हर चीज बाखूबी ध्यान देता रहता। पर नीतू ने भाभी को कभी वो महत्व नहीं दिया जिसका वो हकदार थी। ज्योति जैसे ही काम करने किचन में जा रही थी कि नीतू ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भाभी जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं किचन संभाल लूंगी, मैं अभी काफी दिन रुकने वाली हूँ। ज्योति ने कहा, नीतू दीदी आपका जब इच्छा हो तब आप आ जाया करो, पर मायके को मायके ही समझो, ना कि मेहमान बनकर आए। अभी प्यार और अपनापन का रिश्ता बना रहेगा।